दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सोलर अर्थ रेडिएशन से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है पहला क्वेश्चन है व्हाट इज सोलर रेडिएशन एनर्जी रेडिएटेड फ्रॉम द सन इन ऑल डायरेक्शन एनर्जी रेडिएटेड फ्रॉम द अर्थ इन ऑल डायरेक्शन रेडिएशन ट्रेवलिंग इन स्पेस एनर्जी रेडिएटेड फ्रॉम द सन दैट ट्रैवल इन ईथर तो बच्चों देखिए सोलर रेडिएशन की बात किया है तो सोलर से जो एनर्जी निकल रही है सन से जो एनर्जी निकल रही है सारे डायरेक्शन में जो जा रही है वहां से निकल के उसी को हम लोग कहते हैं सोलर रेडिएशन अगला क्वेश्चन है व्हाट आर थ्री रिलेवेंट बैंड ऑफ सोलर रेडिएशन तो सोलर रेडिएशन के तीन बैंड होते हैं कौन कौन से अल्ट्रा वायलेट यूवी उसके बाद विजिबल और इंफ्रारेड ठीक है ये तीनों होते हैं इंफ्रा रेड तो देखिये ऑप्शन है यू फार इंफ्रा रेड फार इंफ्रा रेड कुछ नहीं होता है यूवी विजिबल एंड इंफ्रा रेड यही सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन में देखिए था अल्ट्रासोनिक अल्ट्रासोनिक आपका साउंड वेव से रिलेटेड है ठीक है तो अल्ट्रासोनिक तो होगा नहीं तो सी और डी ऐसे गलत हो जाएगा ठीक है बच्चों इसका आंसर हो जाएगा टू का बी यूवी विजिबल एंड इंफ्रा रेड तीसरा क्वेश्चन है ठीक है? तो अभी आपने पढ़ा कि तीन बैंड होता है पूछ रहा सबसे ज्यादा कौन सा होता है? तो विजिबल जो होता है वो 49.4 होता है जो होता है, वो होता है 42.3 परसेंट और बात कर लें कि यूवी की तो अल्ट्रा होता है आपके पास अराउंड 8 परसेंट ठीक है तो मेजर कैटेगरी में कौन आया इंफ्रा एंड विजिबल तो ऑप्शन हो जाएगा आपका इंफ्रा एंड विजिबल मीन सी ठीक है अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एफेक्ट सोलर रेडिएशन रिसीव्ड बाय ए लोकेशन आर वाटर बॉडी तो पूछ रहा है कि जो रेडिएशन आ रही सन से वो किसी लोकेशन या वाटर बॉडी पे कैसे डिपेंड करेगी सेप ऑफ द वाटर बॉडी अब देखिए वाटर बॉडी मान लेते हैं ये है तो चाहे सर्कुलर हो चाहे वो ट्रैंगुलर शेप का हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है टाइम एट नाइट रात के समय वैसे भी सोलर रेडिएशन नहीं होगा अगला ऑप्शन है रोटेशनल स्पीड ऑफ अर्थ ये भी हमेशा कांस्टेंट रहती है एल्टीट्यूड एंड लेटीट्यूड तो इसका आंसर हो जाएगा डी एल्टीट्यूड एंड लेटीट्यूड बच्चों एल्टीट्यूड और लैटीट्यूड की बात कर लें तो देखिए पूरे अर्थ पे हर जगह इक्वल अमाउंट में सोलर रेडिएशन नहीं पहुंच पाता है ठीक है तो इसका मतलब हो जाएगा क्यों किस कि, किस वजह से होता है वो एल्टीट्यूड और लैटीट्यूड सबका अलग अलग है ठीक है वट इज डायरेक्ट सोलर रेडिएशन सोलर रेडिएशन डायरेक्टली रिसीव बाई अर्थ सरफेस फ्रॉम द सन बिल्कुल सही है कि हमारे पास जो डायरेक्ट सोलर लाइट आ रही है डायरेक्ट सोलर रेडिएशन आ रहा है अर्थ पे सन से उसी को हम लोग डायरेक्ट सोलर रेडिएशन कहेंगे ठीक है ऑप्शन बी क्या था कॉस्मिक रेडिएशन डायरेक्टली रिसीव बाय अर्थ सरफेस सोलर रेडिएशन रिसीव बाय अर्थ सरफेस आफ्टर आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन कॉस्मिक रेडिएशन बाय अर्थ देखिए डायरेक्ट की बात किया है तो रिफ्लेक्शन यहाँ पे तो होना ही नहीं है ठीक है तो आंसर हो जाएगा ए अगला क्वेश्चन है व्हाट इज इनडायरेक्ट सोलर रेडिएशन अब इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा इनडायरेक्ट में कहीं से रिफ्लेक्शन होके आएगा है ना तो सोलर रेडिएशन डायरेक्टली रिसीव बाय अर्थ सरफेस फ्रॉम सन तो ये गलत हो जाएगा क्यों क्योंकि ये तो डायरेक्ट वाला है अगला ऑप्शन है सोलर रेडिएशन रिसीव बाय अर्थ सरफेस आफ्टर

उट गोइंग लॉन्ग वेब है ना किसको कहते हैं सी को मीन इंफ्रा को कहते हैं और इसको और किस नाम से जानते हैं नाम से जानते हैं क्या होता है आउट गोइंग लॉन्ग वेब ठीक है आउट गोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन और इसको और एक नाम से जानते हैं थर्मल रेडिएशन ठीक है थर्मल रेडिएशन तो बच्चों जो सनलाइट आपके अर्थ पे आती है अर्थ को हीट करती है है ना? से शॉर्ट वेव की वेव आती हैं तो ये अर्थ भी हमारा रेडिएशन करता है लॉन्ग वेव की ठीक है क्यों क्योंकि वो हीट को नहीं निकाल लेगा अपने अंदर से तो एक समय आएगा कि हमारी अर्थ जो होती है इसका सरफेस बहुत ज्यादा हीट अप हो जाएगा है ना तो अगर सिर्फ हीट आती रहेगी अगर यहाँ से रेडिएट नहीं होगा तो क्या हो जाएगा बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ जाएगी यहाँ पे

UVA. तो बच्चों इंफ्रा जो होती है वो सबसे ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगी तो यही होती है थर्मल एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल ठीक है अगला क्वेश्चन है हाउ डू इंफ्रा रेड रेडिएशन कॉज हीट देखिए अब पिछले में पूछा कि कौन करता है और यहाँ पे पूछ लिया कि हीट कैसे प्रोड्यूस करता है अगर एग्जाम में आपके पास दोनों ये क्वेश्चन आ जाए और नाइन्थ क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं पता है तो यहाँ से भी पता कर सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है इंफ्रा रेड रेडिएशन कॉज हीट है ना

एक्साइट करता है तो इसका आंसर हो जाएगा सी बाई एक्साइटिंग इलेक्ट्रॉन ऑफ द सर्विस्टेंस दैट एब्जॉर्फ है ना इस इंफ्रा को जो एब्जॉर्व कर रहा है तो इसका सरफेस का जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा वो एक्साइटेड स्टेट एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है तो यहाँ पे हीट ट्रांसफर होती है इसकी वजह से यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होती है तो बच्चों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दें मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ थैंक यू सो मच